हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, विशेषण के बारे में। आज उसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए क्वांटिफायर्स, देखिए क्वांटिफायर्स क्वांटिटी से बना है। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, कोई कितने मात्रा में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आर क्वांटिफायर्स। ये जो वर्ड है ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। जैसे फ्यू इज अ काउंटेबल नाउन, फ्यू प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन में, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसमें हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू मीन्स होता है थोड़ा सा। लिटिल इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं। फ्यू, फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, फ्यू मीन्स होता है लगभग, नहीं के बराबर। अ फ्यू मीन्स सम बट नॉट मेनी, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ हो लेकिन ज्यादा नहीं। द फ्यू का मतलब होता है मीन्स नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दैट, और द फ्यू का मतलब होता है ज्यादा नहीं लेकिन उनमें से बहुत, उनमें से सब। लिटिल का मतलब होता है मीन्स नो अमाउंट, लिटिल मीन्स होता है मतलब जरा सा भी नहीं। ऑल लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच, ऑल लिटिल मीन्स होता है कुछ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और द लिटिल मीन्स होता है नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट, ज्यादा नहीं लेकिन उनमें से सब। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। आई हैव रिटन अ फ्यू स्टोरी बुक्स इन माय स्टोरीज, यू फाइंड द लिटिल अबाउट फैंटेसी एंड माइजरी मास्टरी। यानी कि स्टोरी दिया हुआ है, आई हैव रिटन अ फ्यू स्टोरी बुक्स, मैंने कुछ कहानी की किताब लिखी। इन माय स्टोरीज, और मेरे कहानियों में यू विल फाइंड, तुम देखोगे, द लिटिल अबाउट फैंटेसी एंड मिस्ट्री। इसमें फैंटेसी यानी कि फैंटेसी मीन्स होता है मन का सोच, कल्पना, कल्पनाओं के बारे में, और मिस्ट्री राज के बारे में, सीक्रेट के बारे में देखोगे। फ्यू स्टोरी बुक्स आर सेलेक्टेड फॉर स्कूल लाइब्रेरी एंड अ फ्यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। कुछ किताबों को देखिए, फ्यू, फ्यू का प्रयोग हमने बताया था कि होता है काउंटेबल नाउन के साथ, तो स्टोरी बुक्स को तो हम लोग गिन सकते हैं। फ्यू स्टोरी बुक्स आर सेलेक्टेड फॉर स्कूल, कुछ जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो स्कूल लाइब्रेरी के लिए चुनी गई है, सेलेक्ट हुई है। एंड फ्यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, और कुछ किताबों को इंटर स्कूल में जो राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, उसके लिए सेलेक्टेड की गई है। बट आई वॉन एन अवार्ड फॉर द स्टोरी विच टॉक्ड अ लिटिल अबाउट मिस्ट्री एंड लिटिल अबाउट फैंटेसी, लेकिन मैंने एक अवार्ड भी जीता है एक स्टोरी के बारे में जो कि कुछ मिस्ट्री के बारे में थी और कुछ फैंटेसी के बारे में थी। आई ऑब्जर्व दैट पीपुल एन्जॉय टू रीड द लिटिल मिस्ट्री एट द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, और मैं ये नहीं ऑब्जर्व किया है, मैंने ये जाना है कि जो लोग हैं वो एन्जॉय करते हैं थोड़ी सी मिस्ट्री जो कि कहानी के अंत में दी गई हो। ठीक है, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्टोरी बुक्स नरेटर हैज रिटन, जो ये बोल रहे हैं ऊपर कहानी, जो बुक लिखते हैं, उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी है, तो यहाँ दिया हुआ है अ फ्यू स्टोरी बुक्स, यानी थोड़ी सी कहानी की किताबें लिखी हुई है, तो लिख देंगे अ फ्यू स्टोरी बुक्स। सेकेंड है, व्हाट डिड हर स्टोरी बुक्स टॉक अबाउट, उनकी जो स्टोरी कहानी की किताब होती है वो किसके बारे में होती है, तो यहाँ दिया हुआ है द लिटिल अबाउट फैंटेसी एंड मिस्ट्री, तो लिख देंगे द लिटिल अबाउट फैंटेसी एंड मिस्ट्री, कुछ फैंटेसी होता है और कुछ मिस्ट्री होता है। फॉर विच स्टोरी बुक नरेटर वॉन द अवार्ड, किस स्टोरी बुक के लिए नरेटर ने अवार्ड जीता, तो यहाँ आप देख सकते हैं अवार्ड फॉर द स्टोरी विच टॉक्ड अ लिटिल अबाउट मिस्ट्री एंड लिटिल अबाउट फैंटेसी, लिख देंगे एन अवार्ड फॉर द स्टोरी विच टॉक्ड अ लिटिल अबाउट मिस्ट्री एंड लिटिल अबाउट फैंटेसी। ठीक है, ये कर लेंगे। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यू और लिटिल। देखिए ऑफ यू का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ही हैज डैश प्लान, प्लान को हम लोग गिन सकते हैं, तो हम लोग प्रयोग करेंगे फ्यू, ही हैज फ्यू प्लान्स। सी हैज गोट डैश मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो यहाँ पर हम लोग ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, सी हैज गोट अ लिटिल मिल्क। ही ड्रैंक डैश एप्पल जूस, एप्पल जूस काउंटेबल है अनकाउंटेबल,
अनकाउंटेबल है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे ए लिटिल। अमित है डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम लोग गिन सकते हैं, अमित के पास अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त है, ठीक है। वी सॉ डैश पीपुल एट द रेस्टोरेंट, पीपुल, पीपुल भी काउंटेबल पे आता है, तो हम लोग लिखेंगे अ फ्यू पीपुल एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। आई बाउट न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स भी काउंटेबल है, तो हम लोग लिखेंगे अ फ्यू न्यूज़पेपर्स। देयर इज डैश पेट्रोल इन हिज कार, पेट्रोल अनकाउंटेबल, तो हम लोग लिखेंगे अ लिटिल। देयर इज अ लिटिल पेट्रोल इन हिज कार। देयर आर डैश बोटल्स ऑन द टेबल, बोटल्स काउंटेबल नाउन है, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर फ्यू, देयर आर अ फ्यू बोटल्स ऑन द टेबल्स, ठीक है। देयर आर डैश होटल इन दिस टाउन, होटल भी काउंटेबल नाउन है, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर अ फ्यू होटल्स इन दिस टाउन, इस शहर में थोड़े से होटल है, कुछ कम होटल है। आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड, ब्रेड भी काउंटेबल है, तो इसमें भी लिख देंगे अ फ्यू। आई वॉन्ट टू ईट अ लिटिल ब्रेड, सॉरी, ठीक है, इसको कर देंगे, थैंक यू।